Lively Weekends, Lively Weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. कल हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा कैसे कमाया जाए, कैसे अपनी इनकम को ज़्यादा किया जाए. काफ़ी लोगों को मेरा जवाब सुनकर मज़ा नहीं आया हुआ, ये क्या बात की है. कई लोगों का यही राय और मेरी अपनी खुद की भी पहले यही राय थी कि हाँ, अगर हम ज़्यादा ओवर टाइम करें, ज़्यादा और जॉब्स ले लें, एक्स्ट्रा जॉब ले लें, कोई दूसरी जॉब तलाश कर लें, घर से भी कुछ कर लें, कुछ ना कुछ अपने काम को बढ़ा देंगे तो हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी. बेशक इससे थोड़ा बहुत तो मैटर करता है, लेकिन असल काम है अपने आप पर काम करना, खुद पर काम करना, खुद को चेंज करना, अपनी सोच, अपना बिहेवियर, अपने एटीट्यूड पे काम करना. और ख़ुद पर काम करना कोई आसान काम नहीं है, ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, इसको हल्का मत लीजिएगा. और ख़ुद पर काम करने से होता यह है कि ना सिर्फ आप ज़्यादा कमाते हैं बल्कि आप खुश भी रहते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं. तो ख़ुद पर काम करने के बहुत सारे मतलब होते हैं, मायने निकलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं. मेन चीज़ है अपना दिमाग, अपनी सोच पर, अपने एटीट्यूड पर, अपनी अप्रोच पर. क्योंकि कहते हैं कि आप पहले ये देखिए कि आई यू इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड और आई यू इन अ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड. अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं और कंसिस्टेंट हैं, मुसलसल उसी एक स्टेट ऑफ माइंड में हैं, पॉजिटिव हैं, तो फिर कामयाबी आपके पीछे खुद आती है. और अगर आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो फेलियर से आप अपने आप को बचा नहीं सकते, कुछ भी कह लीजिए. तो पॉजिटिव हमेशा रहना है, ये नहीं कि कभी पॉजिटिव रहे तो कभी नेगेटिव रहे. पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है. इस वजह से अपने ऊपर, ख़ुद पर काम करना बहुत ज़रूरी है. और ये वही खुदी है जिसका ज़िक्र अल्लामा इकबाल साहब ने भी किया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है. तो ख़ुद पर काम करेंगे ना तो सिर्फ दौलत नहीं, खुदा भी मिल जाता है. तो ये ख़ुद पर काम करने की जो बात है, सब कुछ हासिल हो सकता है. अब ये ख़ुद पर काम क्या किया जाए, सबसे बेहतरीन जो हम बात करते रहते हैं, थॉट्स की, सोच की, अपने ऊपर, अपने दिमाग को कंट्रोल करने की, अपनी पावर को यूटिलाइज़ करने की, रियलाइज़ करने की कि आप में कितना पोटेंशियल है. तो एक मूवी का डायलॉग भी था बल्कि कि सक्सेस के पीछे मत भागो बल्कि ख़ुद पर काम करो, ख़ुद को काबिल बनाओ तो सक्सेस खुद आपके पीछे भागी चली आती है. हाँ जी, आ जाते हैं हमारे आज के गेस्ट की तरफ. इतने दूर क्यों खड़े हुए हैं, नवीद हैं आज हमारे शो पर. अब शक्ल देखेंगे तो फौरन से पहचान जाएंगे नवीदुर्रहमान साहब. पहले भी हमारे शो पर कई मर्तबा अब तो आ चुके हैं, ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं, मद्रासी खानों के एक्सपर्ट हैं. अब आपको याद आ गया होगा, हाँ, बहुत मज़े मज़े के खाने इन्होंने सिखाए हैं. आज भी कुछ डिफरेंट ये आप लोगों के लिए लेकर आए हैं. आइए ज़रा इनसे जानते हैं क्या क्या चल रहा है. मैंने सुना है कि कामयाबी की तरफ, बुलंदी की तरफ ये बढ़ते चले जा रहे हैं. आइए जी नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप बताइए क्या चल रहा है. अभी अभी आपने मुझे बड़ी अच्छी अच्छी खबरें अपने बारे में सुनाई कि यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है. हाँ जी, यूट्यूब चैनल चल रहा है. हाँ, उसमें मेरे कुकिंग के चलते हैं, वो शोज़ उसमें अपलोड होते हैं. अच्छा, फिर अपना खुद का बिजनेस भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. ऑर्डर्स ले रहे हैं? ऑर्डर्स ले रहा हूँ. हाँ. डिलीवरी चल रही है, जो नवीदलीशियस के नाम से मेरा पेज चल रहा है. अच्छा, यूट्यूब भी यही? यूट्यूब भी नवीदलीशियस के नाम से है. और जो लोग अच्छा. मेरे से खुद खाने मंगवाते हैं, यू नो वेरी वेल कि कैसा मेरा टेस्ट है, कैसा खाना है, नवीदलीशियस के नाम से लोगों को अंदाज़ा, जो मेरे जोन से खाना मंगवाते हैं तो उनको अच्छी तरह, नवीदलीशियस से जो ऑर्डर करते हैं खाना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है. मसरूफ लाइफ, बिजी लाइफ, उसी में चल रही होती है. फैमिली के साथ भी और बेगम भी साथ साथ लगी है? बेगम मेरे साथ होती है, जाहिर है उसके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं, जाहिर है वो मेरे साथ साथ होती है. हम दोनों मिलके ही हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं. ये अच्छा प्रोफेशन है ना, दोनों मियां बीवी साथ लगकर काम करते हैं. हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, दोनों को लेके चल रहे होते हैं, हेल्प चल रही होती है. सेटिस्फाइड होगी ना कि आप घर पे ज्यादातर रहते हैं, मतलब यही काम करते हैं जो मेरा काम है. औरतों का शौक ही खाना पकाना. सही बात है, लेकिन एक टाइम भी मिल जाता है ना, एक दूसरे को टाइम भी दे देते हैं. टाइम भी दे देते हैं. जॉब पे होता है कि आप टाइम नहीं दे पाते अपनी फैमिली को. जब अपना खुद का ओन बिजनेस करते हो डेफिनेटली फिर मसरूफियत के साथ साथ अब आप टाइम भी दे रहे हो. सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं. शिकायतें दूर भी हो जाती हैं, समटाइम शिकायतें हो भी जाती हैं. अच्छा, फिर हो सकता है कि मर्द हजरात को ज्यादा होती हो घर पे, तो फिर वो अलग चीजें क्रिएट हो जाती हैं. वो फिर दूसरी चीजें निकाल रहा होता है ना, बंदा देख रहा होता है. इंसान किसी हाल में खुश नहीं. खुश तो बंदा किसी हाल में भी नहीं. यही तो जंग है सारी, कि हर हाल में खुश रहना है.
जंग ही सारी जिंदगी की ये है। खुश रहने वाले रहते हैं, खुश रहने बहुत रहते हैं, कोई टेंशन ही नहीं ले, टेंशन लेके भी खुश रहना भी बहुत बड़ी बात है। कंट्रोल है ना अपने ऊपर कि वो मायूसी को, दुख को, पेन को वो प्रेशर फील नहीं करते, करते भी हैं तो वो उसको हैंडल अच्छे से, हैंडल अच्छा, अंदर से स्ट्रांग है। असल जंग ही यही है, हमने बस यही काम करना है और यकीन जाने आसान काम नहीं है, बहुत पर काम करना है। आपकी क्या राय? कहना आसान है, लोग दूसरे को मशवरा जरूर है, सबसे बड़ा पहले अपने पे तो इम्प्लीमेंट करके देखें, लोग अपने पे इम्प्लीमेंट कम करते हैं। नवीद इम्प्लीमेंट तब करेंगे जब ये मानेंगे कि हम गलत है ना, सबसे बड़े मानते ही नहीं ना, यहाँ तो सबसे बड़ी बात है लोग कहते हैं नहीं हम गलत नहीं, हम बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल, तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। अगर आप अपसेट हैं दूसरे की वजह से हैं, बेशक दूसरे की बातों से हैं, लेकिन काम आपने अपने ऊपर करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बीमार अगर आप हैं तो दवाई के अगले को देंगे या आपको खुद लें पहले, भूख अगर आपको लगी है खाना दूसरे को खिलाएंगे या आपको देंगे, डेफिनेटली। तो अपसेट और मिजरेबल अगर आप हैं तो दवाई या उसका इलाज, उसकी फिक्सिंग दूसरे की होगी या आपकी होगी? जाहिर है आपकी अपनी होगी, पहले अपने आप को ठीक करेंगे तभी दूसरी चीज सही होगी ना, सब सही हो जाएगा बस। हाँ जी, आज सीख क्या रहे? आज मैं बना रहा हूँ देगी पुलाव बना रहा हूँ, यम यम, ये थोड़ी सी लेंदी रेसिपी है, और इमेजिनेशन में चली देगी पुलाव, चिकन अंगारा बना रहा हूँ। आज लंबी ऐसे पहले ब्रेक आए कुछ ना कुछ प्याज ही सही ब्राउन करना शुरू कर देंगे, कोई काम करना है तो। अच्छा ये है, ये थोड़ी सी बड़ी लंबी रेसिपी है और ये आपको काफी सारे मसाले दिख रहे होंगे, ये सारे ब्लेंड होंगे। अच्छा मुझे बता दो ब्लेंड क्या क्या करना है, मतलब इसमें करना है ड्राई? हाँ हाँ ड्राई इसमें ही होंगे सारे। हम ये डाल देते हैं और जैसे ही ग्राइंडर चलाएंगे, नहीं नहीं साथ साथ, नहीं साथ साथ बता देना, हाँ साथ साथ कि ये जाएगा, ये गया, ये गया, ये गया, और फिर गए ब्रेक पे। ये ऐसी ऐसी करें, ऐसी नहीं खुला, हाँ ये सिंपल है, हम लोग डिफिकल्ट सोचते हैं ना, आसान चीज में भी डिफिकल्टी तलाश करते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा देखें दालचीनी है, ठीक है, दालचीनी की स्टिक्स हैं, ठीक है, और आप इसमें ले लें 3 बड़ी इलायची ले लें, ठीक है ठीक है, बादियान के फूल ले लें, अच्छा 2 ले लें, 3 है बल्कि, ठीक है, फिर आप इसके अंदर छोटी इलायची ले लें 2, फिर इसके अंदर लौंगे ले लें 6-7 लौंगे ले लें, ठीक है ठीक है, ये आपने ले ली। अच्छा फिर आप इसके अंदर लेंगे सूखा धनिया, अच्छा ठीक है ठीक है सही है, फिर आप इसके अंदर लेंगे जीरा सफेद जीरा, ये समझे 1-1 टेबलस्पून है ऑल ऑफ देम, ठीक है ठीक है, ये है सफेद जीरा, सौंफ, सौंफ है, हाँ सौंफ डालिए मैंने, सॉरी 1 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टेबलस्पून जीरा, ठीक है ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूंगा, बाकी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, इनको लेके मैं ग्राइंड कर दूंगा, ये मसाला बनेगा, ये खास ये पूरा मसाला बनेगा, फिर इसमें मैरिनेशन होगी चिकन की, जबरदस्त जी, पूरा साबित गरम मसाला है, सौंफ के साथ है, इलायची वगैरह हर चीज है, सिर्फ गोल मिर्च नहीं है, नहीं गोल मिर्च नहीं है, तो इसको हम पीस के रखते हैं, आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मजेदार सी रेसिपी सीखेंगे नवीद रहमान से। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए अजय जी, वेलकम बैक। मैं ये नोट कर रही थी, ये इतना सारा दही आप किलो के करीब लेकर आए, ये पूरा जाएगा? नहीं 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 पूरा नहीं जाएगा। देगी पुलाव बन रहा है जी। सबसे पहले नवीद ये बताइए, सीखा कहाँ से आपने देगी पुलाव? ये मैंने कहाँ से सीखा? ये मेरी अपनी खुद की क्रिएशंस हैं। इसके अंदर पुलाव अगर आप बनाते हैं तो यखनी पुलाव बहुत से लोग खाते हैं, यखनी बना के तो हर कोई बनाता है, खाता है कि जी बना लिया, इजी टू कुक कर लिया, लेकिन इसमें यह है कि अब ये जो मैं पुलाव बना रहा हूँ ये बगैर यखनी के है, अच्छा। और समझें इसमें जितने मसाले हैं उसी वक्त डालेंगे और पकेगा मसाला, देन उसमें राइस डलेगा, अच्छा। इसमें कुछ चीज़ें देखिएगा डिफरेंट भी लगेंगी, ताकि आप लोग ये बनाएंगे डेफिनेटली आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा। अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमारा रोस्ट मसाला जितना भी था हमने ग्राइंड कर लिया, रोस्ट हुआ हुआ था मेरे पास ना, जो धनिया और जीरा डाला वो भी रोस्ट था, हाँ। अच्छा जी ये अच्छा इसमें ये है कि हमने मोटा मोटा पीसा है, ठीक है ठीक है। अच्छा ये 3 पाव चिकन है, ठीक है ये हमने लिए, इट्स अप टू यू कि आप इसको बीफ में बनाए, मीट में बनाए, ठीक है।
अच्छा, इसमें हम दही डालेंगे। दूसरा दो, ये दे दो। हाँ ये दे दे। ठीक है, तकरीबन वन कप कर लें, वन कप पाव के करीब। हाँ ठीक है, ये हो गया। सही है। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे टोमेटोज। अप्रोक्सीमेटली ये 3 टोमेटोज हैं। सही है। टोमेटोज हैं। अच्छा, ये मैं हाफ मसाला डालूंगा। हाफ मसाला मैं राइस के ऊपर भी स्प्रिंकल करूंगा, दम पे, ताकि इसकी खुशबू रहेगी। इस मसाले में सारा तमाम गरम मसाला था, सिर्फ उसमें गोल मिर्च नहीं थी और बस बाकी दालचीनी, तेज पत्ता, बादियान। अच्छा, इसमें ये है कि हरी मिर्चें पिसी हुई डालूंगा मैं। अप्रोक्सीमेटली ये होंगी हाफ कप। ठीक है, पूरा पेस्ट आपने बनाया। हाँ, ये पेस्ट है। अदरक लहसुन है 1 टेबलस्पून है ये। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डालूंगा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हम इसलिए डालेंगे, इसमें आपके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा ये और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैं तोड़ के ही डालूंगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, ये मैंने डाला। इसके अंदर मैं डालूंगा पुदीना। सब कुछ इकट्ठा करके इसके अंदर लेमन डालूंगा, कटे हुए लेमन रिंग्स में। ये एक लेमन है। ठीक है भाई, ये तो बहुत मज़े का बनेगा, मज़े का है, बहुत मज़े अच्छा, का है। अभी थोड़ी सी लाल मिर्चें डालूंगा, नॉट टू मच। ओके अच्छा, इसमें जाएगी प्याज। प्याज समझें आप, एक बड़ी ले लें, जो बड़ी वाली प्याज होती है वो आप डालें। ठीक है, वो आपकी सही रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसको हम मिक्स करेंगे। हो जाए मिक्स, हो तो जाएगा, वरना इसी में डाल दीजिए। हाँ, मैं इसी में डाल देता हूँ। ठीक है, कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ऑयल डाल चुका हूँ मैं हाफ कप। ठीक है। वालेकुम सलाम मायरा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? बहुत अच्छी। पुलाव खाना है? देगी पुलाव? यार घर पे कौन है, मंगवा लो, खुद बना लो बल्कि। हाँ, मैं क्यों भिजवाऊँ? आप बना रही हैं तो मैंने सोचा आप ही भिजवा दें। नहीं नहीं, ये तो यहाँ के लिए है, यहाँ के लिए भी नहीं है ये तो। ये सिर्फ देखने के लिए। बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं नवीद वैसे। और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मैंने ये कहना था। थैंक यू। और मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ मायरा, पूछिए, बताइए। मैंने आपसे पूछना था कि आपका डाइट प्लान क्या है? डाइट प्लान? जी, मेरा कोई डाइट प्लान ही नहीं होता। खुश रहे। नहीं, अच्छा, लोग समझते हैं बाकी मैं हर वक्त हर पल खुश रहती हूँ। नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, मेरे अंदर भी बहुत जंग चलती है। उस पर मैं काम कर रही हूँ कि मैं कैसे अपने आप को पीसफुल रख सकती हूँ। बाकी डाइट प्लान, सुबह नाश्ता लेती हूँ अच्छे से, जो भी हो, पराठा हो, अंडा हो, डबल रोटी, ब्राउन ब्रेड, चीज़, मक्खन, कोई वो नहीं होता। दूध पत्ती चाय पीती हूँ और खाना दिन में एक टाइम खा लेती हूँ, तो मेरे दो मील्स होते हैं 24 आवर्स में। शाम 7-8 बजे के बाद मेरा कुछ खाने पीने का ना मन होता है, ना दिल होता है, ना मेरा मूड होता है। तो एक तरह से पेट खाली होता है और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है जो कुछ भी दिन भर खाया होता है। तो नो, नथिंग स्पेशल। अच्छा, इसमें मैंने डाले हैं तेज पत्ता डाला है 3 से 4। अच्छा, अलग से ये भी डाला। हाँ, इसमें मैंने बड़े मतलब वो डाला है, क्या कहते हैं, काली मिर्च साबित डाली है। अच्छा, इस तरह डाली है। लौंग डाले हैं। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा साबित गरम मसाला, साबित गरम मसाला डाला ऊपर से। अच्छा, ठीक है। अब ये भुनता रहेगा, जैसे ही इसका पानी सूखेगा थोड़ा सा, चिकन थोड़ी सी गलेगी। अच्छा, इसमें सॉल्ट ऐड करूंगा मैं। ठीक है, ये आपके टेस्ट के मुताबिक है, ये आप जितना लेना चाहें। ठीक है, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली जैसे ही होगा, इसके अंदर राइस डालेंगे और ये दम पे लगेगा। भाई आप इतने मज़ेदार, ये मिर्चों का पेस्ट है, दही है, कड़ी पत्ता है, अदरक लहसुन, वो खुशबूदार मसाला जो पीसा था, सौंफ और गरम मसाले का, पुदीना है, तो चीज़ तो अच्छी निकलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, आज लंच हो गया बख्तियार मेरा। अच्छा, इसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ मूव ऑन को करते हैं। क्या है सेकंड? हमारी सेकंड रेसिपी है चिकन अंगारा। चिकन अंगारा, ठीक है जी। चिकन अंगारा
बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, अगर आप लोग बनाएंगे तो ज़रूर आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छा, इसमें ये है कि आपको ये जो है दिख रहे होंगे मसाले, अच्छा इसमें है ज़ीरा सफ़ेद, ठीक है, लौंग है, और ये है लाल मिर्च मोटी है, ठीक है, इनको हम कर लेंगे रोस्ट, ठीक है, मैं इनको रोस्ट कर देता हूँ। साथ-साथ रोस्ट करते हैं, ये ले लो, बहुत बड़ा है। हाँ। अच्छा, आपका चिकन अंगारा होगा, अच्छा, लेकिन इसको हम और स्पेशल बना देंगे ना, ये हाँ, इसके अंदर हम डालेंगे नसीम का मसाला, नसीम का मसाला सबसे अच्छा और है। ये कौन सा वाला हम डाल रहे हैं इसमें? चिकन मसाला, ताकि उसकी एक अपनी खुशबू, नसीम मसाला बहुत अच्छा होता है। हाँ, बल्कि आप ही मुझे बता रहे थे कि पहले जब मैं बहुत छोटा था, नहीं वाकई में 1947 से इतने पुराना है तो जाहिर है। हाँ, जब से पाकिस्तान बना है तब से नसीम मसाले हैं, क्योंकि नसीम ने सोचा कि भाई क्यों नहीं पाकिस्तानी रिवायती खाने जो है उनको बरकरार रखा जाए, तो ये सिलसिला रिवायती खानों का है। नसीम मसालों से आप वही खुशबू, जायका, रंगत और पुरानी यादें जो ताज़ा करें, ताज़ा कर सकते हैं। अच्छा, ये रोस्ट होके ये ग्राइंड हो जाएंगे, ठीक है, ज़ीरा, लौंग, लाल साबुत मिर्च, ठीक है, इसको फिर ये पीस लेंगे इसमें हम, फिर ब्रेक आ जाएगी, बस के आपको बुला लेंगे। सही, अच्छा, कॉलर है सीमी है इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम सीमी। वालेकुम अस्सलाम, हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत खुश और बहुत, हम दोनों को ईद मुबारक, बल्कि सारी टीम को, आपको भी, आपके सब घर वालों को भी, खैरियत दिया। और मुझे ये कहना था कि बहुत अच्छा लग रहा है, आपके जो शेफ हैं इनको दोबारा देख के, पहले भी आए थे और बहुत अच्छी रेसिपी बनाई थी इन्होंने। हाँ, आप कराची से बात कर रही हैं? अच्छा, इस्लामाबाद से बात कर रही हैं, ठीक है, इस्लामाबाद से, जी हाँ, ठीक है, वरना मैं कहती से, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है इनकी जो देगी बना रहे हैं पुलाव ये, और कभी कभी मैं भी यखनी के बगैर वाला बनाती हूँ, सब कुछ मिक्स करके, तो बहुत अच्छा बनता है। और मैं ज्यादा मैं देखना चाह रही हूँ कि चिकन अंगारा कैसे बनेगा, क्योंकि अच्छा। ये भी फेमस है। हाँ। और मुझे बड़ा शौक था कि मैं ये सीखूं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके मेन्यू में ये शामिल है, बस आप बनाइएगा, सीखेंगे आज। हाँ, अभी तो हमने शुरुआत की है सिर्फ, नहीं जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। जी जी बिल्कुल। और किरण, आपका जो लॉकेट है, माला इतनी अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, लाहौल वाला को तल्ला बिल्ला, बहुत खूबसूरत, ये तो आप मुझे भिजवा सकती हैं ना, खाना बेशक ना भिजवाएं, क्या करेंगी इसका, इन चीजों में क्या रखा है, इन चीजों में जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच। कराची की तो, कराची की तो चीजें और शॉपिंग जो है ना, मैं तो उनकी बिल्कुल दिलदादा हूँ, फैन हूँ, मरती हूँ इन चीजों पे, कोई जाए कराची तो मैं कहती हूँ मुझे वाकई सब कुछ ला दे, वहाँ पे एक इतना अच्छी वैरायटी है कराची में, इस्लामाबाद में वैसी नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं, लेकिन एग्जीबिशन वगैरह होते रहते हैं, तो मेरा ख्याल से बाजार, और अभी पिछले दिनों श्री आपस से भी मुलाकात हुई ग्रीन वैली में, बहुत अच्छा लगा उनसे भी मिलके, बहुत मजा आया। तो आप कब आ रही हैं? कुछ पता नहीं, जब मसाला ले जाए कोई काम ऐसा आएगा तो जरूर आएंगे, बिल्कुल। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ब्रेक आ रही है तो ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें ताकि हम इसको ग्राइंड कर लें ना हो। ये बख्तियार से ही कहेंगे कि कर लेंगे इसको, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें हैं इसमें जो हम पीस के रखते हैं, और फिर चिकन अंगारा की रेसिपी शुरू करते हैं। आप लोग ब्रेक लीजिए और फिर वापस। हर घर में जब सब होते हैं सारे, जो भी आ गए, ओके ओके, इतनी कोई अच्छी खुशबू, ये ऐसे तरह से टिंट करके दिखाते हैं, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, बट आप सिर्फ देख ही सकते हैं, फील कर सकते हैं, फील करें, मज़ा मैं ही लूँगी। मज़ेदार सी खुशबू, रंगत बहुत अच्छा, ये एक देही पुलाव नवीद ने सिखाया है, और अब हम चिकन अंगारा की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, मसाला पीस के रखिए। अच्छा, तीन चीज़ों का चिकन अंगारा की तरफ हमने मसाला पीस के रखा। हाँ। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अनियन डालेंगे, ठीक है, हम क्रश करके डालेंगे। अच्छा, ब्राउन करके ही डालने हैं? हाँ, ब्राउन करके डालिएगा, वरना अगर हम उस वक्त बना रहे हो तो ताज़ी वाली भी लेंगे। हाँ, इट्स ठीक है,
ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली एक पूरी ले लें आप। ठीक है, प्याज ले लें। अच्छा, इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, इसमें मैं ये मसाला डालूंगा जो मैंने सारे मसाले भून के पीसे हैं। ठीक है, ये मैं डालूंगा अप्रॉक्सीमेटली आधा डालूंगा। हाँ। आधा फिर मैं ऊपर से लग से डालूंगा। ये डाला मैंने, सही है, जीरा, लाल साबुत मिर्च और लौंग। काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है तभी अंगारा लुक आएगा। अच्छा। टेस्ट आएगा इसके अंदर। अच्छा अच्छा, इसके अंदर निकलेंगे अंगारे निकलेंगे। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, चाट मसाला। अच्छा। चाट मसाला जो आपके फ्लेवर को और अच्छा करेगा इसके अंदर। ठीक है, 1.5 टेबल स्पून है ये। ठीक है, पेपरिका पाउडर है जो कलर आपके इसमें देगा। अच्छा। ठीक है, ये हमने डाला काली मिर्च, लाल मिर्च नहीं, काली मिर्च और चाट मसाला और पेपरिका, पेपरिका पाउडर। ठीक है, ठीक है, ये हमने डाला। अब इसके अंदर हम दही डाल देंगे। ठीक है, सही है, तकरीबन 1.5 किलो स्पाइसी मसाला। और इसमें मज़ीद खुशबू ऐड करने के लिए हम नसीम का चिकन मसाला। अच्छा, इसमें हम अभी थोड़ी देर में नसीम का मसाला ऐड करते हैं, फिर आप देखिएगा क्या खुशबू निकल कर आएगी। जल ना जाए मसाला। हाँ, क्योंकि प्याज भी हमने ब्राउन ली ना। ठीक है, ये ग्रेवी इसकी होगी थोड़ी, ये थोड़ा सा ड्राई होगा। अच्छा, ये बिल्कुल मसाले वाला नहीं होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा ड्राई होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा पानी इसका सूखेगा तो मैं इसमें टोमेटो पेस्ट भी डालूंगा। ठीक है, ठीक है, कितने टमाटर तकरीबन? ये तकरीबन 2 टमाटर, 2 से 3 छोटे टमाटर हैं। ठीक है, अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। थोड़ा सा कढ़ाई टाइप का मसाला होगा। इसकी रेसिपी आप मेरे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। हाँ, नवीदलिशियस। नवीदलिशियस पे। नवीदलिशियस। हाँ। सही है। बहुत सारी रेसिपीज हो गई उसमें, काफी सारी हैं। हाँ, अभी मैंने ईद की भी डाली थी। अच्छा। कलेजी एक डिफरेंट स्टाइल की बनाई थी। कितने आपके हैं सब्सक्राइबर्स? काफी सारे। 1000-2000? नहीं, अभी 1000-2000 नहीं हुए। हंड्रेड्स में है? हाँ, उसमें है। आज के बाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हमें क्या मिलेगा? आपको अच्छी अच्छी मेरे हार्ट की डिशेस मिलेंगी ना। अच्छा, अच्छा, ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली इसका पानी थोड़ा सा और सूखेगा तो फिर मैं इसमें राइस डाल दूंगा। चिकन थोड़ी सी गल जाए फिर मैं राइस ऐड कर दूंगा। अब ये मैं दम पे लगा रहा हूँ, चिकन अंगारा दम पे लगा रहा हूँ। सही है। सो हम उस पर अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा हमारा? नेक्स्ट हमारी होगी चपली कबाब। चपली कबाब। चपली कबाब की रेसिपी लगी नहीं है, खैर एनीवेज वो लग जाएगी। और ये चपली कबाब तो हमारा एक सेगमेंट में हो जाएगा। हाँ, ये पूरा हो जाएगा। ब्रेक से आने के बाद भी कर लेंगे। बट चपली कबाब के बाद क्या है, और भी कुछ है? वो सैलड है। कौन सी सैलड बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ वेजिटेबल सेसमी सीड सैलड बना रहा हूँ, वो आपके मनसलवा चंक्स के साथ। ओ, चिकन चंक्स के साथ। ओके, आज मनसलवा के ये टिक्का चिकन चंक्स। यस, टिक्का चिकन चंक्स। अच्छा, अभी हम नसीम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी देर में। इसको खोल लेते हैं ना जब तक, है ना, वो छुरी वहाँ पर है। अच्छा, फिर सब हो जाएगा तो हम कोयले को ज़रूर लगाएं, जो असल फ्लेवर आएगा वो कोयले का आएगा इसके अंदर। कितने मज़े का सालन की वो तस्वीर है, मैं वो देख रही थी। इट्स रियली गुड। ये मसाले नो डाउट अच्छे हैं इनके, इनफैक्ट इनका आप हलीम, हलीम कह रही हूँ, निहारी और पाया मसाला अगर आप घर में बनाएं तो ये इस्तेमाल करें, बहुत मज़ेदार और खुशबूदार बनेंगे। कितनी अच्छी वो आई है, कलर अच्छा। हाँ, पेपरिका आपने डाला है। पेपरिका से कलर बहुत अच्छा आता है, नेचुरल कलर आ जाता है। वैसे लाल मिर्चें नहीं डाली आपने? नहीं, वैसे नहीं डाली, सिर्फ मैंने लाल मिर्चें साबित वाली डाली हैं ग्राइंड करके भून के ना, वही अलग उसका। बस ये भी अब होने वाला है, मैं इसके अंदर अब कुछ देर में राइस ऐड कर दूंगा। ठीक है, टमाटर शमाटर सब अच्छा सब हो चुका है। सही, अब हम बढ़ेंगे। अगर कोई कॉलर है तो कॉल दे, वरना हम ब्रेक ले सकते हैं, नहीं तो मैं आराम कर सकती। जी हेलो, आप ही बात कर लीजिए मेरे से। मेरे डायरेक्टर कह रहे कोई कॉल नहीं है अभी, मैंने कहा आप ही बात कर लीजिए।
हाँ, आप लोगों के भी जहनों में भी कोई सवाल ऐसा है तो पूछिए ज़रा। हाँ, आप लोगों के पास कोई सवाल है? ज़रूरी थोड़ी कि कॉलर हो, बातचीत होनी चाहिए। नवीद, आपके जहन में कोई सवाल है? मेरे जहन में सवाल? चलें, खुद ही पर ही बात कर लीजिए। सवाल वही जो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे दैट टाइम, वही पैसा किस तरह कमाया जाए। हाँ, किस तरह कमाया? मैंने ये बात बोली थी, सबसे बड़ा दिमाग खेल का है। क्या? ठीक है ना, दिमाग का खेल है कि आप अपने दिमाग को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। अगर आपका दिमाग किस तरह से चलाएंगे तो पैसा आप बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते हैं, क्योंकि आप बेशक ओवर टाइम लगा लें या अपना पूरा दिन स्पेंड कर लें, तो आप ये अपने दिमाग को यूज़ करें कि पैसे को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से सेव किया जाए। दिमाग इस्तेमाल तब करेंगे जब माइंड भी हेल्दी होगा। माइंड भी हेल्दी होगा, जिसमें से आप अपना हेल्दी फूड लें। हेल्दी फूड एंड हेल्दी थॉट्स। हेल्दी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स मेक योर माइंड हेल्दी। तो जब माइंड हेल्दी होगा तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग अच्छे से चलेगा। एंड प्लस वही वाली बात है कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, यू विल अट्रैक्ट सक्सेस, यू विल अट्रैक्ट ऑल अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो अच्छा, अब इसमें हम ऐड करेंगे नसीम मसाला। ठीक है, फाइनली कितना ऐड कर रहे हैं हम? 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून नसीम, ताकि इससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, फ्लेवर आपका। सही है जी, इसकी एक अलग खुशबू आएगी नसीम मसालों की। आप अपने खानों में, हर खाने में सालन, देसी खाने, सारे रिवायती खाने हैं और ये आप मसाले आप इनमें बनाएं और रिवायती खानों के मज़े लीजिए। कॉलर हैं जी, बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ बिल्किस जी, आप क्या कहना चाहेंगी, आप कैसी हैं? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। हाँ जी बताइए, हम अगर खुद पर काम करें तो क्या अच्छे से जिंदगी बना सकते हैं और ज्यादा कमा सकते हैं? जरूर कर सकते हैं जी। सही है, और खुद मेहनत में तो है, जो है मेहनत में है। और खुद पर अगर काम करें तो क्या करें जी? खुद पर काम करना हो तो क्या करें? खुद पे, अपने ऊपर? हाँ ना, तो अपने ऊपर भी हम करेंगे इंशाल्लाह। अपने ऊपर तो करना ही चाहिए। क्या करें अपने ऊपर? भाई देखिए ना, आप अपना सही से रहिए, एंजॉय कीजिए, अपने आप को सही कीजिए, अपने आप को सही से रखिए। हाँ, हम तो सही हैं। हाँ बिल्कुल सही है, हम किसी का बुरा थोड़ी चाह रहे हैं। नहीं वो तो नहीं, अल्लाह करे बिना ऐसा हमें, है ना, तो हम सही है ना, गलत थोड़ी है। हाँ सही बात है। और क्या, हम दुआएं देते हैं लोगों को, दुआएं देते हैं अल्लाह मियां सबको खुश रखे, उसके खैर में हमें खुश रखे। सही है, फिर भी हम लाइफ में खुश नहीं होते हैं जी, जी। है ना, ये तो है, नाशुक्रे बंदे हैं ना, नाशुक्रे बंदे बेशक हमेशा। और आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे, बहुत मजे में। रेसिपीज अच्छी लग रही है आपको? जी बहुत अच्छी लगी, अभी अभी मैंने खोला है, ज्वाइन किया। अच्छा, नहीं बहुत मजेदार यखनी पुलाव बन रहा है। पुलाव मेरे से जरा अच्छा नहीं बनता, तो मैंने कहा आज देखूं पूरी रेसिपी। ओ बस, आज के बाद से खानदान वाले देखिएगा अच्छा ही अच्छा बनेगा। अच्छा जी, अब हम ये है ना कि खा नहीं सकते वरना हम चखते। आप बनाइए और खाइए। नहीं ये ऐसा, ये सिस्टम होता कि आप बना रहे हो, हमको खाने को भी मिल जाए, ये सिस्टम आ जाए। देखिए टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है। हाँ तो हो सकता है, हो जाए, तो हो सकता है ये भी हो जाए कि जायके का फ्लेवर ही ऐसा थोड़ा सा आने लग जाए, खुशबू आने लग जाए। हाँ, थ्रू वेव, थ्रू एनर्जी आपको खुशबू भी आने लगे, जायका भी आने लगे। नहीं नहीं, आप कभी दिमाग में सोचिए, कोई चीज का सोचते तो हमें खुशबू आने लगती है, आप कुछ सोचिए कभी। वैसे ये मुमकिन है, ये मुमकिन है अगर हम स्पिरिचुअली इस पर काम करें। हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, किसी दिन सोचती हूँ बिरयानी, तो बिरयानी खुशबू आने लग जाती है। अच्छी बात है। और क्या, आसपास के जिन जो है ना वो आपको खुशबू दे रहे हैं। बच्चे अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। सही है जी, थैंक यू बिल्किस, बहुत सारा ख्याल और खुश रहिए, खुदा हाफिज। वैसे देखा जाए तो ये पॉसिबल है अगर हम स्पिरिचुअली इस चीज पे काम करें। तो वो कहते हैं ना, जब स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग होते हैं तो आप वननेस में आ जाते हैं, आप एक उसमें आ जाते हैं। तो जब एक उसमें आ जाएंगे तो हमें सब वो जायका आने लगता है, इमेजिनेशन कह ले, नहीं मतलब जैसे वो बातिन की दुनिया में, तो वो आपको हर चीज़ फील उस तरह से होने लगेगी। कई ऐसे कहानियां हैं जो मौजूद हैं सच्ची, कि उन्होंने महीनों महीनों कुछ नहीं खाया लेकिन बातिन से उनको फीड किया जा रहा था, यू नो, वो अलग स्पिरिचुअली उनकी सोल को
और जो उनके जिस्म को चाहिए था वो रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही थी, तो वो बगैर खाने के भी रह रहे थे। अच्छा, अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा टोमेटो पेस्ट ऐड हो चुका है, अब हमारे राइस इसमें ऐड होंगे। अच्छा सही है, क्योंकि अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हाँ। आपने सिर्फ राइस ऐड करना, राइस ऐड करना और ये दम जो पे लगाना है भुना हुआ मसाला। हाँ, ये मसाला दम पे डालूंगा सिर्फ ये, और तो और प्याज और मिर्चें बस। अच्छा, वही जो एक हरी मिर्चें, हरी मिर्चें और ये मैंने दम पे लगा दिया है। सही है, ये अप्रोक्सीमेटली हो गया है। अब हम इसमें राइस, आप राइस डालिए, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद चपली कबाब की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए लाइव ब्लू वीकेंड्स। वेलकम बैक। इंतज़ार है कि कब ये खाने तैयार होंगे और मैं इनका फ्लेवर टेस्ट करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि कितने मज़े के हैं। पुलाव को दम देना दे दिया है हमने, चावल आपने डाल दिए जो पहले से भीगे हुए थे, और इसमें आपने ब्राउन प्याज, हरी मिर्चें और मसाला, वो मसाला जो बचाया था वो डाल दिया, पिसावा। खास पुलाव का मसाला आपने बनाया था, साबित गर्म मसाला सारा था उसमें, भुनावा और सौंफ। हाँ जी, अब आ जाते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट रेसिपी है हमारी चपली कबाब। ओके। अच्छा, चपली कबाब के लिए आपको आधा किलो कीमा लेना है, बिल्कुल बारीक। हाँ। ठीक है, सब पानी बिल्कुल अच्छी तरह निकाल दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो इसमें डलेगा कुटा हुआ धनिया डालते रहें साथ साथ। अच्छा, डालता हाँ। रहा आदत, अब मेरा ख्याल से वो यूट्यूब चैनल के लिए अलग हो गई ना, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, फिर मैं जीरा डलेगा कुटा हुआ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और भुनावा, भुनावा इसमें गरम मसाला है। ठीक है, इसमें अनारदाना जो स्पेशलिटी है कप्स की। ठीक है, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे कुटी लाल मिर्चें, थोड़ा सा स्पाइसी होगा। ठीक है। अच्छा, हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। ठीक है, इसमें हम डालेंगे नमक। ठीक है, और इसमें हम असल डालेंगे बेसन, बेसन। ठीक है, बाइंडिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम मिक्स करेंगे प्रॉपर तरीके, हाथी यूज़ करना पड़ेगा। सही है, मैं यहाँ पर ये देख रही थी कि नसीम के शामी कबाब है, चपली मसाला नहीं है ना? नहीं है, शामी कबाब मसाला है। आसान है, गोश्त आपके पास है बकरीद का, आप बोटिया हैं उसको चढ़ा दीजिए दाल के साथ और ये मसाला डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेनी। पूरी तरकीब भी आपको पीछे नज़र आएगी। और क्या क्या है, कढ़ाई फ्राई गोश्त, वाह, बटर चिकन। आपकी बटर चिकन की भी रेसिपी है भाई नसीम के पास? अच्छा, बटर चिकन। हाँ जी, हमें कुछ नहीं करना। कचरी कीमा कल हम बना चुके थे, निहारी है, बॉम्बे बिरयानी, बाकी निहारी, कोरमा और अचार, गोश्त, बहुत सारी वैरायटी है भाई देसी खानों की, रवायती खानों की। अच्छा, ये सिंपल। अच्छा, मेन चीज़ है इसकी बाइंडिंग बिल्कुल सही हो। ठीक है ना, अगर इसकी बाइंडिंग सही नहीं होगी तो आपके कबाब टूट जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको लूज दिखता है या ढीला दिखता है तो इसमें मज़ीद ऐड कर दें। चपली कबाब बनाते तो सुकड़ क्यों जाते हैं? नहीं, मेरे तो नहीं सुकड़ते। नहीं नहीं, अभी आप बनाएंगे, आप देखिएगा। चर्बी डाली आपने? थोड़ा सा फैट है, थोड़ा बहुत फैट, ज़्यादा फैट नहीं डाला, शायद फ़र्क पड़ता होगा, है ना? हाँ, लोग फैट लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं इतना फैट पसंद नहीं करता। सही है। अच्छा जी, ये चिकन अंगारा की शक्ल भी जरा थोड़ा सा हिला भी दीजिए। ओके, मैं हिला देती हूँ। ये वाला ढीला दें इसको। नहीं, मैंने ना ऐसा कर दिया था। और हाँ, मेरे को लग ही ना जाए, कोई देगी कोरमा स्टाइल लग रहा है। हाँ, ये बिल्कुल तेज़ होता है। अभी तो इस पर डलेगा मसाला। आप कौन सा मसाला? वही जो मैं आखिर में वाला डालूंगा ना, और थोड़ा सा जो तीन मसाले, गरम मसाला है वो डलेगा। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हरी मिर्चें डलेंगी। इसका रिकैप करें, रिकैप बताएं हम आपको। हाँ, ज़रूर बताएंगे। ऑयल लिया था हमने, ऑयल लिया था, प्याज ब्राउन की भी डाली थी चूरा करके, इसमें हम चिकन डाल दी थी, चिकन डाल दी थी। हाँ। इसमें जो हमने लौंग था, काली मिर्च थी, मोटी लाल मिर्च थी, और इन सबको, जीरा,
तीन चीजों को लेके ग्राइंड करके भून के इसमें हमने ऐड कर दिया था। ठीक है, फिर इसमें थोड़ी देर बाद हमने ऐड किया था टोमेटो पेस्ट और दही, दही चाट मसाला, चाट मसाला और सिया मिर्च और पेपरिका पाउडर जो हमने कलर के लिए दिया, और नसीम का हमने वो ऐड किया था चिकन मसाला। कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? फाइन, मैं परा बात कर रही हूँ, नवीद की खाला हूँ और उससे बात करना चाह रही हूँ। नहीं, हेलो, नवीद की खाला है और बात नवीद से करना चाह रही हैं। जी जी, और आपसे भी करना चाह रही हूँ। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि उनकी कोई खाला नहीं है। नहीं नहीं, मेरी खाला तो है, लेकिन खाला का नाम भी तो की खाला, फराह खाला। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, कैसे जबरदस्त जा रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। अच्छा, मुझे पता नहीं था प्रोग्राम देख रही है। बिल्कुल, आपको पता है मनान खाला जरूर देख रहे होते हैं प्रोग्राम, तो उनके साथ साथ फिर मैं भी देख ही रही होती हूँ। अच्छा, ये वाइफ की खाला है। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप मेरे प्रोग्राम वाइफ की खाला हूँ, उनकी भी खाला। ये सही है भाई, ये लोग दावतें करते हैं क्या दोनों मियां बीवी? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हम दोनों का एक दफा कॉम्पिटिशन भी रहा था इस चीज में। क्या इन्होंने कहा, इनकी हमारी यहाँ दावत थी और मैंने अपने भांजे की दावत की थी, तो उसमें मैंने काफी सारी चीजें रखी थी। अच्छा, नवीद का कॉम्पिटिशन ये था की अब मैं खाला दावत रखूंगा। हाँ, मैं सारी वही चीजें उससे ज्यादा तक चीजें बना के रखूंगा। अच्छा, और बहुत जबरदस्त चीजें बनी थी नवीद की। 17 डिशेस से बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा जायका है, इनकी बिरयानियां बहुत खाई हैं हमने। थैंक यू सो मच खाला, आपने याद रखा। 17 डिशेस इन्होंने बना डाली। हाँ, काफी सारे डिशेस, कॉम्पिटिशन विन कर गए थे वो, बहुत सारी। अच्छा, ये सही है, खाने के कॉम्पिटिशन भी आपस में हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, दावतों में हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि हमने कॉम्पिटिशन भी रखा, तो माशाल्लाह नवीद की जबरदस्त चीजें होती हैं। हाँ। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नवीद, नवीद के बेटा, और अल्लाह ताला बहुत थैंक यू, जजाक अल्लाह। किरण, आपसे तो बिल्कुल बात नहीं हो सकी सारी, आपने माशाल्लाह देखते रहते हैं आपको। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका, आप सबको बहुत खुश रखने की कोशिश करती हैं, और अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश रखे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अच्छा, ये सरप्राइज कॉल थी मेरे लिए, पता भी नहीं है। अच्छा, ये जो है अब इसकी हम पैटी बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो काफ़ी सारी बन जाएंगी वैसे। हाँ, अच्छा, और ये आप मोटा मोटा उसको आपने लिया है? मैं थोड़ा सा मोटा बनाऊंगा इसको, चपली और शामी कबाब टाइप की लुक दे रहे हैं। यस, वो चपली कबाब नहीं, बिल्कुल चपटे जो होते हैं ना वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। अच्छा, जो आप बहुत चपटे बनाएंगे ना आप, हाँ। देखिएगा अक्सर साइडों से आपको बहुत वो सख्त दिखेंगे। अच्छा, कभी नोट कीजिएगा, तो इसकी जब तक साइड आप थोड़ी सी मोटी नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉपर इसका टेस्ट नहीं आएगा, सॉफ्टनेस नहीं आएगी इसके अंदर। अच्छा, अच्छा, तेल गरम हो जाए तो दैट्स वेरी गुड। थोड़ा तेज करूं? हाँ, ये थोड़ा सा तेज करें। ठीक है, अच्छा, और आपने तेल भी शैलो फ्राई कर रहे हैं? जी, तरह से हम बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करता मैं इसको। ठीक है, अच्छा, इस पे हम टोमेटो लगा देंगे। हाँ, अच्छा, बहुत से लोग टोमेटो कट करके डाल देते हैं लेकिन टोमेटो पानी छोड़ देता है। सही, चाहे आप इसके अंदर के सीड्स निकाल दें, कुछ भी कर दें। ठीक है, मैंने एक दफ़ा बनाए थे टमाटर निकाल के, टमाटर ही अलग हो गए थे। हो जाते हैं अलग, हो भी आते हैं, वो मसला नहीं। ऐसे कैसे सजे हुए होते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना तस्वीरों में लोग, बस तो यूं डालते हैं। हाँ, जस्ट परफेक्ट, चपली कबाब ना यूं तेल के अंदर जाके, हाँ, है तो यहाँ डाला यूं गया। हाँ, है तो पेशावर का, वो लोग बनाते ही ऐसे हैं बगैर शेपलेस। ओह, थोड़ा सा इसको हिलाइए, इसको पुलाव को। हाँ, मैं अपने चपली कबाब के चक्कर में भूल गया। नहीं है, लग रही है, लग तो नहीं है, नहीं थोड़ा सा है, मैं हिला देती हूँ। इसका नमक भी टेस्ट करना है। हाँ जी, ब्रेक भी आ गई है। अच्छा, ये मैं आपको एक डाल के दिखा देता हूँ, एक ऐसा कर रहा हूँ। तेज हो गया? हाँ, हो गया होगा, नहीं थोड़ा सा तेज। चलो, हो जाएगा। अब इसको पहले एक साइड होगा, फिर मैं बना रहा हूँ। सही है, हमारा ब्रेक का भी वक्त आ गया, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हमारी सैलेड रहती है जो हम मनसलवा के चिकन टिक्का चंक्स से बनाएंगे। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आवर शो। लाडली वी कैट्स,
खूब मसाला मसाला हो रहा है मसाला में मसाला के किचन में। चिकन अंगारा की दो तीन चीज़ें जो बाकी रह गई हैं एंड में, एक तो कोयले का आपने धुआं देना है। जी, कोयले का धुआं देना है। इसके अंदर मैं डालूँगा हरी मिर्चें, ठीक है? ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4 डाल दें आप। हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा मसाला जो बचा है वो भी ऐड ऑन करूँगा, ठीक है? फिर इसके अंदर गरम मसाला है। अच्छा, ये सबसे आखिर में, ये सबसे आखिर में डलेगा, ठीक है? अब ये दम पे चला गया, बस ये होने के बाद फिर इसके अंदर कोयले का वो लगेगा। अच्छा, मेरे ये भी रेडी हो गए चपली कबाब, इसको मैं थोड़ा सा कम दो और बना दें। चावलों को भी हमने तवे पे रख के अब दम दे रहे हैं। ये देखिए हमारे चपली कबाब, मसाले वाले खाने वाले आज। अच्छा देखो, सुखड़े भी नहीं सुखड़ते ये। हाँ, अच्छी शक्ल आई है। हाँ, अच्छा अब हम इसमें दो और बना देते हैं। हाँ, दो और बना दें। ऑयल ज़रूर लगाइएगा हाथों पे ताकि ये नहीं, मैं कर दिख रहे टेस्ट तो करें, ज़रूर करें। तो सुखड़े भी नहीं और टूटे भी नहीं, आ रहा है वो धनिया अनारदाना उस तरह का जो फ्लेवर एक चपली कबाब का चीज ही है ये। कुलसुम की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका किरण? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, आप कैसी हैं कुलसुम? मैं बिल्कुल ठीक, कैसी गुजरी आपकी? मेरी अच्छी, बहुत अच्छी। स्लो कर रही हूं। कुछ खास किया नहीं लेकिन फिर भी अच्छी। हमने आपकी रेसिपीज बनाई जो आपने पहले बनवाई थी, बहुत मजे की बनी। अच्छा, वेरी गुड, क्या चीज नया ट्राई किया? क्या नया ट्राई किया आपने? मैंने बहुत से शेफ की रेसिपीज ट्राई की, जैसे इंडियन कबाब और रेशमी कबाब। अच्छा, और हांडियां भी बनाई बहुत सी मजे मजे की। क्या डेली दावत की 3 दिन ईद मनाई आपने? जी जी बिल्कुल। अच्छा। बहुत ज्यादा मजे से ईद मनाई। सही है, लोगों के घर गई या अपने घर बुलाया सबको? अपने घर बुलाया। तीनों दिन? नहीं नहीं, हाँ फर्स्ट डे। फिर बाकी 2 दिन क्या किया? बाकी 2 दिन हमारे अपने मेहमान थे और 3rd डे हम खुद गए थे। अच्छा, गए थे ना कहीं पे? ये जी, बंद कर देती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और आज के खाने कब ट्राई करेंगी आप? जी, आज के जो खाने सिखा रहे हैं नवीद, ये ट्राई करेंगी आप? जी जी जी, बिल्कुल ट्राई करेंगे। हाँ। बहुत मजे के जो चपली कबाब है वो जरूर ट्राई करेंगे। हाँ, वो भी मजे के हैं। अभी ये चिकन अंगारा और ये पुलाव जरा देखते हैं। जी जी, ये भी बहुत मजे का लग रहा है, ये भी जरूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। सही है सही है। और जिंदगी में खुश हैं? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। कोई परेशानी? नहीं नहीं, कोई दुख भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई दुख कोई गम? बस वो तो जिंदगी के साथ है ना। पता था मुझे यही जवाब आएगा, बस वो तो जिंदगी के साथ चलता रहता है। बिल्कुल। तो क्या करती हैं जब दुखती हैं? क्या करती हैं आप जब दुखती होती हैं? दुखी होती हैं? बस फिर अल्लाह से रब्ता करते हैं। फिर अल्लाह से रब्ता करते हैं और फिर हम खुद ठीक हो जाते हैं, है ना? जी जी बिल्कुल। फिर वो मुश्किल वक्त निकल जाता है, वो भी दुख होता है वो निकल जाता है। हाँ, कैसे निकलता है वो? बस के साथ साथ कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर दुख खत्म हो जाता है। हमारा कोई कारनामा उसमें नहीं होता है ना? होता है, हाथ का भी तो होता ही है ना। बात है। सही है, ठीक है, मैं ऐसी बस बातचीत कर रही थी। थैंक यू कुलसुम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, हमने कोयला रख दिया है, ठीक है, जो दहकेगा। सही है, और वो हम धुआं दे देंगे, वो हम धुआं दे देंगे, ठीक है। ये हमारे चपली कबाब हो गए, ये आपने देखा ये सुखड़े नहीं है। सही है। अच्छा, अब सैलेड की मिक्सिंग या ड्रेसिंग करनी है वो कर ले, फिर ब्रेक से आने के बाद। अच्छा, हम पहले हम टिक्का चंक्स को भी फ्राई करेंगे, तो अभी चूल्हा खाली हो जाएगा ना जब तक। अगर आपने ड्रेसिंग बनानी है तो नहीं, डायरेक्ट इसी में डायरेक्ट ही बनेगा। ठीक है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम अपनी सैलेड बाकायदा आपको रेसिपी में बताएंगे। ये दो चपली कबाब भी हो रहे हैं, चिकन अंगारा भी रेडी है, ऑलमोस्ट डन है। अब चखने का, टेस्टिंग का
टाइम आ चुका है, एक ब्रेक ले लीजिए, फिर वापस आते हैं। हर घर में जब सब होते हैं सार, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, पकाने का ही बात। अब जाके कोयले का धुआं दिया है हमने चिकन अंगारा को, डेढ़ घंटे में बनी है ये दोनों चीज़ें, हाँ, पुलाव और चिकन अंगारा। अभी तक टेस्टिंग नहीं की है, चपली कबाब रेडी हो चुके हैं, वो हमने डिश आउट कर दिए हैं। अब एक जो सैलेड बना रहे हैं तिक्का चंक्स से मनसलवा के, ये आप देख लीजिए, ये हमने मनसलवा के तिक्का चंक्स जो हैं उसी ऑयल में हमने कर लिया ताकि फ्लेवर भी अच्छा, ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाएगा क्योंकि तिक्का है ना। ठीक है, आप इनको डीप फ्राई करना चाहें डीप फ्राई करें, नहीं तो हल्का सा आप सौते कर लें उसमें, नहीं तो आप बेक करके भी डाल सकते हैं अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो। फिर मल्टीपर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये टिक्का चंक्स जो है मनसलवा के, आपने पिज़्ज़ा बनाना है, आपने रोल्स बनाने, सैंडविचेस बनाने हैं, कुछ भी करना है आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ये सारी चीज़ें अगर हों आपके पास। अच्छा जी, इन सैलेड में जाएगा गाजर, गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, ठीक है, ये चार चीज़ें हैं, तो इनको कुक करेंगे आप? हाँ, बस मैं सौते करूँगा बस इसको। अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा ये कुक नहीं होंगी क्योंकि थोड़ी सी फ्राइंग पैन उसमें नए, हाँ, दूसरे में नहीं। ये हो गया हमारा, ठीक है, फ्राई, ठीक है, हम ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, अच्छा, अच्छा इसको मैं निकाल लेता हूँ पहले, ये मैं प्लेट आपको देती हूँ। अरे कंट्री मैंने यूज़ कर, कैसे वक्त गुजरता है ना, वक्त तो आपका कुकिंग 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 और एकदम से गुड बाय, अब तो हम लोग इतने यूज्ड टू हो गए। अच्छा स्मोकी भी इसमें वो आ रहा है ना बिल्कुल, हाँ ये वो टिक्का एक फ्लेवर है ना इनका, तो ये मल्टीपर्पज़ है वाकई में, आप इसको बहुत तरीकों से, इवन कि आप ये बिस्किट पे जो वो कहते हैं ना वो फिंगर फूड टाइप चीज़ें, ऐसे ओपन कैनोपीज या कुछ हैं, डबल रोटी के ऊपर थोड़ी सी सॉस लगाई, एक चिकन का टुकड़ा डालें, खीरा वो डालें, सजाएं। ऑयल अच्छा, हम यही यूज़ कर लेंगे, दावतों में इस्तेमाल करें। अच्छा ऑयल हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ सौते करनी है, ठीक है, वेजिटेबल्स। अच्छा सबसे पहले हम डालेंगे फूल गोभी डालेंगे, ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, फिर हम इसमें डालेंगे कैरेट, ठीक है, ये हॉट सैलेड है मेरा जी, है ना, गरम सर्व करेंगे इस तरह से डिश ही। अच्छा वैसे एक तरीके से अगर आपके पास सिजलिंग ट्रे हो ना उसमें आप ये सैलेड गरम गरम डालें, हाँ, बड़ा अच्छा हो देगा, अच्छा स्मोकी इफेक्ट ना। अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये मज़े की तो चाइनीज़ की डिश लग रही है मुझको, तो सैलेड कम चाइनीज़, इसके साथ चावल बना लें तो। टिक्का चंक्स विद वेजिटेबल्स, टिक्का चंक्स विद वेजिटेबल्स, हाँ। अच्छा अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस डालेंगे, ठीक है, 1 टेबल स्पून है, सही है, ठीक है, ठीक है, गरम मसाला नहीं है, धनिया वो है, जीरा, जीरा भुना हुआ पिसा हुआ है, ठीक है, हाँ। इसमें हम डालेंगे चिली सॉस डालेंगे, ठीक है, हम इसमें डालेंगे जिंजर, अच्छा अच्छा, जब पिसा हुआ डालेंगे तो वो आपको, हाँ, टेस्ट नहीं देगा। अच्छा ये हम सबसे आखिर में सेसमे सीड ऊपर डालेंगे जब हम चंक्स डाल देंगे, अच्छा सही है, ये अप्रॉक्सीमेटली ये 5-10 मिनट और हम बनाएंगे, ये हमारी रेडी है डिश, ओके डन, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना किसी भी फ्लेवर को, चंक्स को भी उसमें डालेंगे ताकि फ्लेवर, हाँ, ये थोड़ा सा हो जाए फिर मैं चंक्स डाल दूंगा, सही है, टॉसिंग करें इसकी प्रॉपर तरीके से, जब तक मैं ये चिकन अंगारा सामने ला रही हूँ, हाँ जी ले आइए, अब ये मैं डिश आउट करना है मुझे इसको, आप लोग भी देखिए ना जरा। अच्छा कलर ज़्यादा डार्क हो गया है या ऐसी तरह ऐसी होता तरह है? होता है क्योंकि अंगारा है ना, अंगारे का कलर ऐसे ही होता है, यस, हाँ, ये सैलेड है, नहीं हम सैलेड इसमें निकालेंगे ना, सैलेड इसमें ट्राई करते हैं, खुशबूदार
नसीम के मसालों की खुशबू आ रही। बोटी के साथ ही ट्राई करूँगी। वैसे तो इतना मसाला वाली चीज़ें खाली खाने में ना, ये थोड़ा सा स्पाइसी लगेगा और ये थोड़ा सा उसका फ्लेवर बहुत टेस्ट होगी, डिफरेंट लगेगा आपको। फ्लेवर कैसा आता है? ये थोड़ा सा मुंह जलता है आपकी जबान ना, स्पाइसी है। हाँ, इसी को कहते हैं अंगारा। वाकई में स्पाइसी है। हालांकि लाल मिर्ची नहीं डाली, नहीं डाली नसीम का, हमने चिकन मसाला डाला, पेपरिका का। ये तो इसका वो है। अच्छा, ये ऐसा है कि चावलों के साथ भी अच्छा लगेगा। हाँ, और नान के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा ये। और नान के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, और इनफैक्ट घर की चपाती के साथ भी, रोटी जो आप बनाए, चपाती बनी हुई हो ना। अच्छा, आप इसमें हम चम्मच ऐड कर रहे हैं, इसमें वाकई में काफ़ी चिली है। हाँ, अलग तक ये अंगारा है ना, इसी का नाम अंगारा है। नाइस, वेरी नाइस, इसी को कहते हैं अंगारा। अच्छा फ्लेवर आया है, वो धुआं भी जो दिया है इसका भी एक अच्छा फ्लेवर आया है। ठीक है, हमने इसकी टॉसिंग कर ली। ठीक है, बस इसको हम थोड़ी देर और करके फिर हम निकाल के इसमें सेसमी सीड स्प्रिंकल कर देंगे, ऑल ऑफ देम रेडी। फिर हम अपने पुलाव को भी डिश आउट कर देते हैं। सही है, सही है। ये भी अभी मैं थोड़ा सा और अच्छा पुलाव भी टेस्ट करना। आई एम एक्साइटेड। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम वेट करते हैं आप लोगों का। में
अंगारा चिकन, बाकी में अंगारा चिकन है। अच्छा पुलाव भी इतना ही स्पाइसी है। आज के खाने जो है ना वो बड़े चटपटे और स्पाइसी वाले खाने जो कि एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करते हैं। मैंने इनको बोला आपके खाने बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे दुबई में जो होटल्स होते हैं, मलबारी होटल्स जो होते हैं, उनका सालन मुर्गी का फूड स्ट्रीट टाइप का। पुलाव भी उसी तरह का मसाले वाला खूब चटपटा सा, लेकिन अच्छी रेसिपीज है और थोड़ी सी डिफरेंट है, फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट है जो एक पुलाव का हम खाते हैं या एक मुर्गी का कुछ भी हम सालन या कढ़ाई बनाते हैं उससे बिल्कुल हट कर है। अच्छा सा कलर पेपरिका भी बड़ा सा। बाय द वे ये मिसेज नवीद को भी हमने बुला लिया, हमने कहा इतना बड़ा सोफा हमने सजाया हुआ है तो इसको भरा भी जाए ना, जरा लोगों को बुलाया जाए। हाँ जी हाउ आर यू? फाइन। इनको शिकायत है कि ये मसाला चैनल ये किस तरह का शो करने किस जाते तरह का? बाबा जो है देखिए जहाँ कुछ खाने को नहीं सिर्फ देखने को मिलता मुँह में अंगारा ही अंगारा था जब इन्होंने चिकन अंगारा खाया। नहीं बट नो डाउट डिफरेंट फ्लेवर है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम आपका तो शुक्रिया था करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग बुलाते हैं, थैंक यू सो मच, और याद रखते हैं। आर प्लेजर। और हमारी दुआएं जो आपका पेज और यूट्यूब है आपको मजीद ऑर्डर्स मजीद सब्सक्राइबर्स, बस इतना हो, सब मेरे पेज को लाइक करें सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल पे नवीद लिशियस के नाम से पेज है, जरूर आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एनिक्स का तोहफा है, थैंक यू सो मच, वो आप लोगों के साथ जाएगा। अभी तो सुर वाली मिर्चे, काफी टाइम के बाद मैंने इतनी मिर्चे और स्पाइसी खाना खाया। ये थोड़ा सा हटके बनाया था मैंने, ये बड़े यूनिक टाइप की रेसिपी है, बहुत से लोगों को नहीं पता किससे किस चीजें बनती है। अंगारा दोनों चीज़ें जो है वो बहुत डिफरेंट फ्लेवर की हैं। आई मीन आप लोग ज़रूर ट्राई करें, अपने हिसाब से कुछ ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। कम रखना है तो कम रखना, लेकिन टेस्ट तब आता है जब आपके स्पाइसेस लेवल पे आकर अच्छे टेस्ट दें हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से। ये थी आज की रेसिपीज़ और आज का शो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कोई नई बातों के साथ, नए खानों के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नज़र रखें किसी और पे नहीं बल्कि आपकी अपनी सोच पर और खुद पर। मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।